हेलो एवरीवन, फिर से एक बार स्वागत है आपका यूट्यूब कोमल किचन में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही टेस्टी मसालेदार बड़ी की रेसिपी, जिसको हमने आलू और चना दाल से बना के रेडी किया है और बहुत ही टेस्टी ये बनती है। इसकी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मसालेदार की। तो चलिए शुरू करते हैं इस बड़ी को बनाना। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, और जो सामने घंटी का निशान है उसको भी ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरा हर वीडियो का मैसेज आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 5 आलू बॉईल कर लिए थे पहले से ही। तो 5 आलू को मैं बना रही हूँ, आप ज़्यादा आलू भी ले सकते हो अगर ज़्यादा बना रहे हो तो। और ये आधा कप मैंने चना दाल लिया, इसको 5-6 घंटे भिगो के छोड़ लिया है, ये अच्छे से फूल चुकी है। तो फ्रेंड्स, लास्ट तक वीडियो में बने रहे। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट कीजिएगा ताकि ऐसी मैं नई नई सिंपल रेसिपी आपके लिए ला सकूं। तो सबसे पहले हम आलू को छील लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी बनानी है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आपकी सामग्री भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। अगर वीडियो को आप बीच में स्किप नहीं किया तो आपकी बड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो अगर आपको ये बनानी है तो वीडियो को लास्ट तक फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए आलू को हम छील लेते हैं। तो ये देखिए आलू को हमने अच्छे से छील ली है। अभी हमें क्या करना है, इसको हम कद्दूकस करेंगे, जिससे क्या होगा कि बिल्कुल भी इसमें गांठे नहीं रहेगी। तो ये बाउल लिया है, इसमें ये बारीक वाला मैंने ग्रेटर लिया है, इससे हम ग्रेट करेंगे। तो ये देखिए मैंने फास्ट मोड पे कर दिया जिससे वीडियो लंबी ना बने, और सभी आलू को हम ऐसे ग्रेट कर लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से हमने इसको कद्दूकस कर लिया है, जिससे हम बड़ी बनाएंगे तब हमें बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अभी हम लेंगे चना दाल, इसको मिक्सी जार में डाल देंगे। और अभी हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, इसमें हम इसको चटपटा बनाने के लिए इसमें 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे, और ये हरी मिर्च डालेंगे। 2-3 हरी मिर्च लिया हमने, इसको कट कर लिया, ये डाल देंगे। और अभी हम बिना पानी इसको पेस्ट बनाएंगे। आसानी से फ्रेंड्स बन जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन पानी आपको बिल्कुल नहीं डालना है। और ये देखिए अच्छे से हमने इसका पेस्ट बना लिया है। अभी हम इसको आलू वाले बाउल में निकाल देंगे इसी पेस्ट को। तो देखिए इसमें हमने निकाल दिया है। अभी हम इनमें मसाला ऐड करेंगे, तो हमें क्या क्या ऐड करना है मैं बताती हूँ आपको। ये चुटकी भर हम हींग लेंगे, क्योंकि हम चने दाल की बड़ी बना रहे हैं तो पेट के लिए अच्छी रहेगी, और गैस भी नहीं बनता है इससे। तो चुटकी भर हमने हींग डाल दिया है, और आधा छोटा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे, क्योंकि हम मसालेदार बना रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बनेगी, इनका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और आधा चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, आधा चम्मच हम अमचूर पाउडर डाल देंगे, जिससे बहुत ही चटपटा टेस्ट आएगा। इसमें हम नमक नहीं डालेंगे, क्योंकि हम साल भर के लिए स्टोर रखते हैं तो नमक डालने से नमी आती है, तो इसलिए हम नमक नहीं डालेंगे। जब हम सब्ज़ी बनाएंगे तब हम नमक ऐड करेंगे। तो अभी हम इसको बिना नमक के बनाएंगे, और इसको अच्छे से फेंट लेते हैं, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। हाथ में थोड़ा सा हमें पानी लगा लेना, जिससे क्या होगा कि आलू का ये मिक्सर हाथ में ज़्यादा ना चिपके। और इसको हमें अच्छे से फेंट लेना है 1-2 मिनट के लिए, एकदम स्मूथ सा बैटर बन जाए तब तक हमें इसको अच्छे से फेंट लेना है। ऐसे हाथ से फ्रेंड्स इसको चलाना है, जिससे ये स्मूथ सा बैटर बन जाए। तो हमें किस तरह का चाहिए मैं आपको बाद में बताती हूँ, कैसे हमें इसको चेक करना है। तो ये देखिए अच्छे से हमने इसको फेंट लिया है। अभी हम थोड़ा इसको चेक करेंगे। तो 1 गिलास में हम पानी लेंगे, तो पहले थोड़ा सा मैं मिक्स कर देती हूँ। तो ये देखिए अच्छे से हमने इसको 2 मिनट अच्छे से फेंट लिया है। अभी हम इसको चेक करेंगे। तो 1 गिलास में हम पानी लेके उसमें हम इसको डालेंगे बैटर को। अगर नीचे बैठ गया तो हमारा बैटर अभी रेडी नहीं है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये नीचे चला गया है, तो अभी रेडी नहीं है, थोड़ा इसको और फेंटेंगे और फिर आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा 1 मिनट के लिए और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये बैटर पानी के ऊपर आना चाहिए, तभी हमारा ये परफेक्ट बड़ी का ये बैटर बनेगा। तो देखिए अभी फिर से हम चेक करते हैं। तो ये
देखिए पानी के ऊपर आ गया है, तो इसका मतलब हमारा बड़ी के लिए मिश्रण एकदम सही है, परफेक्ट बना है। तभी हम इसको निकाल के इसी में डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो इसी तरह का हमें बैटर चाहिए कि पानी के ऊपर आना चाहिए, हमें ऐसे ही चेक करना चाहिए। अभी हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने प्लेट लिया है, इसके ऊपर हम कॉटन का कपड़ा डाल देंगे। आपके पास जो भी हो आप डाल सकते हो, कॉटन से बहुत ही अच्छे ये सूख के तैयार होंगे। तो ये देखिए मैंने थोड़ा निकाल दिया, आपको दिखा नहीं पाई हूँ, फिर से मैं निकालती हूँ कैसे हमें बड़ी बनाना। तो ये हाथ से ऐसे थोड़ा सा हाथ में पानी लेके, जिससे थोड़ा बैटर ज़्यादा चिपके ना, और ऐसे थोड़ा थोड़ा करके इसमें ये रख देना है दाल वाला मिश्रण। तो फ्रेंड्स इस टाइम ये बड़ी बहुत ज़्यादा बनाई जाती है, आप भी ज़रूर बना के एंजॉय कीजिएगा। आलू को 1 साल के लिए स्टोर कर सकते हो इस तरह बड़ी बना के, और जब भी आपका मन करे इसकी सब्जी बना के एंजॉय कीजिए, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है चावल दाल के साथ, तो बहुत ज़्यादा ये मज़ेदार लगते हैं। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स हमने बड़ी सभी बना ली है, इतनी हमारी बड़ी है बनी है, 2 प्लेट में हमने डाला है। और इसको हम धूप में रख देंगे तो ये 2 दिन में अच्छे से सूख जाएगी, 1 दिन में सूख जाएगी, लेकिन हमें 2 दिन इसको धूप लगा देना जिससे अच्छे से सूख जाएगी। अगर आपके पास धूप नहीं है तो ये 4-5 दिन अच्छे से फैन के नीचे आप डाल देना है, और फिर 1-2 घंटे की धूप दिखा देना है। तो चलिए मैं मिलती हूँ अगले दिन। तो ये देखिए 2 दिन हो गए हैं और ये अच्छे से बड़ी सूख चुकी है, हमने धूप में सुखाया है। अगर आप फैन के नीचे सुखाना चाहते हो तो फैन के नीचे 3-4 दिन सुखा सकते हो, लेकिन आपको आपको लंबे समय तक स्टोर रखना है तो आपको धूप देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसमें नमी आ जाती है। तो फ्रेंड्स आप ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। तो फिर थोड़ी भी रेसिपी मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, फिर मिलते हो एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।